हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CSC में एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको 15 नवंबर से पहले पहले कार्य करना है और इसमें बहुत अच्छा कमीशन आपको मिल रहा है। इस सर्विस के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि सर्विस में हमें कैसे काम करना है और किन्हें इस सर्विस में हमें प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम जाएंगे डिजीमेल में और हमें 7 तारीख को एक CSC की तरफ से न्यूज लेटर आया हुआ है। उस न्यूज लेटर को मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमें एक हाईलाइट्स के तरह के न्यूज है, उसमें हम मोर पर क्लिक करेंगे तो हम CSC न्यूज लेटर दिखाई दे जाएगा। तो हम इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं कि हिंदी में क्या कह रहा है। जल्दी कीजिए, 15 नवंबर आखिरी तारीख है उन शिक्षकों का पंजीकृत करने की जिन्हें NIOS DLED के तहत स्वयं पोर्टल पर CSC के माध्यम से नामांकित किया गया है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि 15 नवंबर आखिरी तारीख है और NIOS की तरफ से स्वयं पोर्टल पर कुछ शिक्षकों का नाम बताया गया है हर एक स्टेट से, और उनका रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उनका वेरीफाई करना है। इसमें आपको नीचे बताया भी गया है कि कैसे इसका कार्य करना है। इसमें आपको पहले तो बताया जा रहा है कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल की साइट पर जाना है और उसमें आपको CSC अकेडमी बेसिक कंप्यूटर कोर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको DLED NIOS छात्र पर क्लिक करके छात्रों को ढूंढना है, फिर जिले का चयन करना है। आपके जिले के सभी पंजीकृत छात्र आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर स्टार्ट सत्यापन पर क्लिक करें और संदर्भ संख्या भरें। फिर संदर्भ संख्या स्थापित करने के बाद BLE Gmail ID और एक ईमेल ID बना देगा। ईमेल ID बना और फ़ोन नंबर भरें। ईमेल ID और फ़ोन नंबर भरने के बाद स्वयं पोर्टल खुल जाएगा। छात्र छात्र का आवश्यक विवरण करें, यानी कि छात्र की इंफॉर्मेशन फिल करें। फिर ईमेल ID स्वयं डाटा द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसमें हर एक उम्मीदवार को दर्ज करने पर आपको 44 रुपये का भुगतान किया जाएगा, कि आपको 44 रुपये मिलेंगे एक छात्र के रजिस्ट्रेशन करने पर, यानी कि एक टीचर के वेरीफाई करने पर। हम बता देते हैं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है डिजिटल सेवा पोर्टल में और वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन हो जाना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है। फिर आपको सर्च बार में सर्च करना है बेसिक कंप्यूटर, तो आपको एक टाइप दिखाई देगी बेसिक कंप्यूटर कोर्स CSC अकेडमी, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको रीडायरेक्ट होकर CSC की अकेडमी साइट पर ले जाएगी। तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर आकर सेंटर पर लॉगिन कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर तो आप सिंपली रजिस्टर हो जा इसमें लॉगिन हो जाओगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें वो आपको सीधा उस साइट पर ले जाएगा जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। फिर आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। फिर आपको जहाँ पर आकर फाइंड टीचर पर सेलेक्ट करना है। फाइंड टीचर पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये लिस्टिंग दिखाई देगी, तो आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है। फिर आपको अपने टीचर सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके एरिया की हैं, जैसे कि आपने कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की, और वहाँ से आपको अपना टीचर देख लेना है कि आपका स्कूल में जे टीचर के नेम है या नहीं। आपको स्कूल में जाना है और उनसे नाम पूछना है कि आपका वेरीफाई हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अगर वेरीफाई नहीं हुआ हुआ होगा फिर तो आपको आएगा स्टार्ट वेरीफाइंग। अगर वेरीफाई हुआ होगा तो इसमें वेरीफाई लिखा आएगा, अगर नहीं हुआ तो स्टार्ट वेरीफाइंग आएगा। फिर आपको स्टार्ट वेरीफाइंग कर देना है और उसके बाद टीचर की इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। ये कार्य करने के बाद आपको CSC 44 रुपये देगी, जो कि बहुत अच्छा कमीशन दे रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा BLE वालों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि 15 नवंबर से पहले पहले ये कार्य कर लें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।